देश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर के पास दामोदर नदी में बन रहे पुल के निर्माण में लगी कंपनी के गार्ड और चालक का आज अपहरण हो गया है। कुछ नकाबपोश अपराधियों ने इस अपहरण को अंजाम दिया है। इस घटना के बाद निर्माण कार्य में लगे मजदूरों में दहशत है, यह निर्माण कार्य भी ठप पड़ गया है। मेरा स्टाफिक नंबर से तो इसके बाद गार्ड पहले बात किया, जिसको ले गया गार्ड को ना, तो बात किया तो बोला कि भैया से दादा लोग आया है बात करें, तो बोले ठीक है बात कराओ। बात किए तो हमसे बोला कि ठेकेदार का नंबर दीजिए, ठेकेदार का नंबर दिए, उसको तो फोन कर दिया। निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों को अगवा किया गया है। नकाबपोश अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, काम बंद कर दिया गया है। पुलिस अपने स्तर से पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। कंपनी के गार्ड और चालक का अपहरण किया गया है। पुल निर्माण में लगी कंपनी के गार्ड और चालक का अपहरण हुआ है रजरप्पा से। तो लगातार लॉकडाउन 4 में देखने को मिल रहा है कि अपराधी जो है वो उनके हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। लगातार झारखंड के अलग अलग जिलों से इस तरह की आपराधिक वारदातों की खबर आ रही है और ताजा मामला है रजरप्पा से, जहां पुल निर्माण कार्य में लगी एक कंपनी के गार्ड और चालक का अपहरण कर लिया गया है। नकाबपोश अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। आपको बताया कि लॉकडाउन फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में अपराध का ग्राफ झारखंड सहित पूरे देश में नीचे गिरा था और उसके बाद लगातार अब आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। खासकर झारखंड में बात करें तो इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं और पुलिस के लिए अब ये चुनौती है कि ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार कर जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाए। तो रजरप्पा की ये खबर है, जहां पुल निर्माण में लगी एक कंपनी के गार्ड और चालक का अपहरण कर लिया गया है। नकाबपोश अपराधियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। हालांकि अभी कुछ आला अधिकारियों की तरफ से कुछ बयान इस मसले पर नहीं आया है, मगर जो जानकारी मिल रही है कि पुलिस अपने स्तर पर काम कर रही है और जल्द से जल्द इस पूरे घटना का खुलासा करने का दावा भी कर रही है। तो नकाबपोश अपराधियों ने अंजाम दिया है इस घटना को। पुल निर्माण में लगी कंपनी के ड्राइवर और चालक को अपराधियों ने अगवा कर लिया है और उसके बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस को इस घटना की सूचना दे दी गई है और पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। हमारे सहयोगी फिरोज हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, सीधे उनका रुख करेंगे। फिरोज, जिस तरह से ड्राइवर और गार्ड का अपहरण किया गया है, नकाबपोश अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उसके बाद से क्या है स्थिति इलाके की और पुलिस की कार्रवाई, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? जी, यहाँ पे जब से अपहरण की घटना हुई है रात से, उसके बाद यहाँ पे हालांकि पुलिस दबिश भरी है, लेकिन फिर भी ये घटना जो अपने आप में पहली बार हुई थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ करीब 1.5 साल से यहाँ काम चल रहा है, उसके बाद ये हुई। और अभी मजदूरों में दहशत है, वो लोग काम करने नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्योंकि अभी अभी बेरमो के जो SDPO है वो यहाँ पे लोगों से पूछताछ करके गए हैं, उसके बाद से यहाँ पुलिस भी तैनात कर दी गई है। और कुल मिलाकर कहें तो दहशत का माहौल है, मजदूर काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसे वजह से निर्माण कार्य भी रुका हुआ है। जी सर। फिरोज, जो कंपनी है, जो पुल निर्माण में लगी कंपनी है, उसके कुछ अधिकारियों की तरफ से कुछ बयान आया है, नक्सलियों की तरफ से कुछ धमकी, अपराधियों की तरफ से कुछ इस तरह की लेवी की डिमांड, कुछ इस तरह की हरकतें हुई हैं क्या कंपनी में? और पुलिस किस बिंदु पर, अपराधी के बिंदु पर या नक्सली एंगल इसमें तलाश रही है?
जी शारिक को बता दूं कि यहाँ पे नक्सली बिंदु साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो रजरप्पा मंदिर क्षेत्र है वो कई बार यहाँ पे नक्सली यहाँ पे धावा बोल चुके हैं। इसके अगल बगल जहाँ पे अभी चितरपुर और रजरप्पा मंदिर क्षेत्र का जो रोड बन रहा था, पिछले वर्ष यहाँ पे एक राजू नाम करके जो गार्ड थे उसका भी अपहरण हुआ था, उसके बाद लेवी दे करके छोड़ा गया था। उसके बगल में एक जो गोला से जो रजरप्पा मंदिर रोड आती है वहां पे भी सिद्धार्थ कंस्ट्रक्शन पे कुछ हाइवा और पेलोडर को जलाया गया था। ये घटना हो चुकी है, इसलिए ये पुलिस साफ तौर पर मानते चल रही है कि यह नक्सली घटना है और ये लेवी के लिए ये जिस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। इशारी चलिए उम्मीद करते हैं फिरोज की पुलिस जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा करेगी और चालक और ड्राइवर को सकुशल बरामद भी कर लेगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत तमाम जानकारियों के लिए।